अब 8 बज रहे हैं, चलो खाना वाना खा लेते हैं, बस ये बहुत लेट हो गया है, फिर सोना भी है। एंड देन कल 4 बजे उठ के कहाँ जाना है, मंदिर जाना है, फिर पूजा पाठ करके और उज्जैन के इलाके देखेंगे। पहले तो पेट पूजा कर ली जाए, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ खानी है, नॉर्मली चाय वाय पीती बस और कुछ नहीं। चलो चलते हैं। Look at it. पूरा ऐसा कॉरिडोर बना हुआ है यहाँ से लेके ऐसा। सो अब ड्रोन तो है नहीं, थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ता है। आप लोग बोलोगे यार रिस्क क्यों ले रहा है, पर ठीक है यार तुम लोग के लिए बनता है। पर बहुत सुंदर दिख रहा है यार ऊपर से, सीरियसली मतलब चीट शॉट है, चीट शॉट मतलब ये जगह जो है ना एकदम चीट है। थिंकिंग मेरे व्लॉग्स हमेशा मोस्टली फोकस ऑन द शिव जी क्यों रहते हैं, क्योंकि देखिएगा आप अगर मेरे व्लॉग पुराने देखेंगे तो ये पहला तो रामेश्वरम, देन हरिद्वार, ये मेरा तीसरा ज्योतिर्लिंग है। 12 के 12 ज्योतिर्लिंग मुझे जाने हैं, दर्शन करने हैं, शायद तभी लाइफ सफल हो पाएगी। तो देखते हैं, कवर अप मोर एंड मोर एंड मोर। पहले चल के खाना खाते हैं, भूख लगी है। मैं एक ट्रिक बताऊं, मैं ना किसी भी रेस्टोरेंट में ना ऐसे नहीं जाता, पहले देखता हूं कितने सारे लोग भरे हैं वहां पे, एंड देन मैं देखता हूं कि 2 बार घूमता हूं उसके सामने, ठीक है। अगर आकर वो बेस्ट निकला, ठीक है, तो और से देखता हूं कि भाई हाइजीन है कि नहीं है, एंड अगर वो ठीक निकला देन आई विल गो फॉर श्योर। अगर खाना भी ज़्यादा होगा तो मतलब पैसे भी ज़्यादा होगा, दिक्कत नहीं है, बट मोस्टली आई फोकस ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ पीपल दैट आर देयर। ओके, और पहले एक चक्कर मार लेते हैं, पैर तो जिंदाबाद है हमारे भाई, मैकेनिकल इंजीनियर है, कहीं भी घूम सकते हैं। तो गच्चक एंड पेठा बहुत मिलता है और मैं उतना पसंद नहीं है मुझे, थोड़ा और गेड़ी मारते हैं फिर खाना खाते हैं कहीं जाके, वही लेन में लग रहा है मेरे को सही खाना है, मंदिर वाला जो लेन है ना वही सही खाना है, बाकी और तो यहाँ पे थोड़ा सा अनहाइजीनिक लग रहा है मुझे। तो आई थिंक देखते हैं, बैक टू माय रूम। खाना अच्छे से हुआ नहीं, पता नहीं क्यों मुझे ना दूसरे स्टेट का खाना पसंद नहीं आता, थोड़ा मीठा सा कुछ तो भी था, आई डिडंट लाइक इट, तो मैं छोड़ दिया। थोड़ा सा खाया, मन नहीं हो रहा था पता नहीं खाने का, ऐसा लग रहा था बस चाय पी के सो जाऊँ, दिन भर से खाया नहीं फिर भी मन नहीं हुआ। अभी जाता हूँ, तगड़ा सोता हूँ, कल 3:30 बजे उठना है। लेट्स गो, सुबह के 5 बजे हुए हैं, देख लीजिए अभी हम निकलते हैं दर्शन के लिए, अभी सुबह का दर्शन हो जाएगा महाकाल का, अच्छी रात हो जाएगी। चलिए, जय महाकाल। ऐसा भजन सुनने को ना बहुत जमाना हो गया, ऐसा भजन सुनने को नहीं मिलता है, देखिए वाह मजा आ गया भाई साहब, विश्वर ये मिल सकता है। ठंडू तो नहीं है, yeah, this time it has to be done very nicely because I don't know next time कब आना होगा, so I think doing it very carefully, so thing is I'm taking all the prasad and everything with me because you know back home सबको प्रसाद भी देना है, एंड करो तो अच्छे से ही करो यार, फिर मतलब नहीं है। सुबह सुबह के फूल सुपर होते हैं, ये देखिए ना लोटस एंड मेनी टाइप्स ऑफ फूल्स आर देयर एंड प्रसाद इज देयर, सो इट्स गुड, लेट्स गो। देखिए अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये तो है यहाँ पे जूते एंड ऑल आपको जमा करने हैं और मोबाइल्स आपका जो भी आइटम है, बट मैं जमा नहीं करूँगा, मैं अंदर ही जमा करूँगा। और आप अगर यहाँ देखेंगे ना तो ये एंट्री है, ओके,
सुबह सुबह का बता देता हूँ, सुबह सुबह बता देता हूँ, क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, अभी आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो लाइन लगी है ना, ये इसके लिए है। श्री महाकालेश्वर जो भस्म आरती होती है ना, यहाँ के लिए सुबह 8 बजे प्रातःकाल, परसों की लाइन, मतलब अगर आपको कल देखना है तो कल आप नहीं देख सकते, यहाँ 8 बजे लाइन लगा के, यहाँ 8 बजे लाइन आज लगाएंगे तो परसों आप देख पाएंगे। सो ये देख लीजिए, एंट्री है जस्ट उसके, वो महाकालेश्वर के एंट्री के साइड में ही है। ठीक है, मेरी किस्मत ही ख़राब है, मैं ना थोड़ा लेट आया कल, जैसे दोपहर 2 बजे आया तो फिर मेरे को एंट्री नहीं मिली, इसके कारण परसों का नहीं देख पाऊँगा। ठीक है, लेट्स गो, एंट्री करते हैं, दर्शन करते हैं। ओ भाई साहब, भाई ये लाइन लगी है परसों के लिए महाकालेश्वर की भस्म आरती देखने के लिए, सीरियसली। लेट्स गो मैम। आंटी जी साइड से, दिस इज द एंट्री, गोइंग इन, लेट्स गो। मैं क्या करता हूँ ना, एंट्री से पहले ना, देखिए यहाँ से होता है प्रवेश द्वार, ओके, तो लाइन तो है बट आई हैव टू रिमूव माई शूज़ एंड ये कैमरा देना पड़ेगा मुझे, तभी जाके मैं एंट्री दर्शन कर पाऊँगा। देखिए क्या सुंदर है कॉरिडोर, ये कॉरिडोर जो बना है ना, मतलब मैं देखता रह जा रहा हूँ, हद हो गई। चलो इसको, देख लेता हूँ कहाँ जमा करना है, मोबाइल जमा, इसको मैं, लेट्स गो, मोबाइल कहाँ जमा कर सकते हैं। नहीं, मैं हर काम 3 बार करता हूँ तभी सक्सेसफुल होता है यार, अगर गो बैक एंड जमा करना पड़ेगा, अंदर वाला बंद है, जूते और मोबाइल के लिए। अच्छा लो यार, उधर ही चलते हुए जमा कर दिया, अभी कायदे से जूते जमा करते हैं, सॉरी जूते जमा कर दिया मैंने, मोबाइल और कैमरा जमा करता हूँ, अलीपुर दर्शन में। हाँ जी, सो द दर्शन इज वेरी ईजी, यू डोंट हैव टू बी लाइन फॉर आवर्स। इन मॉर्निंग आई केम 4:30 एंड आराम से आधा घंटा में दर्शन हो गया, नो प्रॉब्लम। सी एवरीवन इज वॉकिंग इन दिस लेन, यू हैव टू वॉक इन दिस लेन लाइक द जनरल पब्लिक, लाइन इज नॉट द इशू, आराम से आपका दर्शन हो जाएगा। बट द गर्भगृह के लिए अलग से लेना पड़ेगा बट इसे टिकट, बट एज फार एज दिस लाइन इज कंसर्न इट्स वेरी इजी, ओके, सो नॉट द इशू। बहुत इजी यार, देखिए यहाँ पे हर जगह शोकेस किया जाता है, लाइन वगैरह सब कुछ खाली है, नो प्रॉब्लम। सो सुबह सुबह का और सबसे अच्छा होता है। सो लेट्स गो भाई, तीसरे दर्शन यार, हाउ कम, व्हाट आई एम टेलिंग, तीसरा दर्शन ले आपको दिखा देता हूँ। देखिए कमिंग फ्रॉम दिस वे दिस लॉन्ग, ज़्यादा लंबा नहीं है, आराम से आपको रास्ता दिख जाएगा, बहुत नो प्रॉब्लम। सी दिस इज सम न्यू मंदिर मैन, इट इज लुकिंग गुड, आपको क्लोजर व्यू, एक क्लोजर व्यू दिखा देता हूँ, देखे तो मंदिर मैन, यहीं पे गर्भगृह है, यहीं पे ज्योतिर्लिंग होगा, अभी आपको दिखाता हूँ आगे चल के, चलिए मेरे साथ में बने रहिए। नमः शिवाय,
Okay, so this is the normal line you have to go. This one is the special line that the ticket has to be taken. Okay. Okay, this is the view. Okay, and this is the Mahakaleshwar Jyotirling. Jai Mahakal. Surrounding views are amazing. In the morning, it's very beautiful. पता नहीं फिर कब आने का मौका मिले, बट ये व्यू और सुबह का जो रोशनी पड़ रही है जबरदस्त. जय भोले बाबा, जय भोले बाबा. व्यू देखो अब. वाओ क्या सुना. Come on, how could I miss this? Come on, how could I miss this? Yep. I guess the darshan is over for me. 3 times darshan kisi kisko milta hai. And I'm happy, but a little bit sad I'm leaving from here. सैड इसलिए क्योंकि कभी कभी लगता है यार, काश मैं मम्मी जी को ले पाता यहाँ पे. और जब वो नहीं है तब मैं आ रहा हूँ यहाँ पे. मतलब किस्मत बहुत बहुत ना, मतलब गधी है. मतलब जब रहते हैं ना पैसे, तब नहीं मौका मिलेगा. साला जब भी मौका पैसे बात नहीं थी यार, मैं ना ध्यान नहीं दिया उसे. महाराज फील होता है जब वो औरतें या आंटीज या अम्मा लोग चढ़ा रहे थे जल कलश एंड ऑल. एंड आई वाज लाइक लुकिंग एट देम एंड रियलाइजिंग दैट दिस कुड बी माय मॉम आल्सो. बट सैड स्टोरी. एनीवे लाइफ हैज टू मूव ऑन. एंड खुश हूँ मैं देख के. बहुत ज़्यादा दर्शन हो गए पहली बात तो. हाँ Yep, it's my 3rd time leaving the premises, but I can't leave, so probably I'm going to take my mobile bag and we'll go to the room. I will have some breakfast. खाने के बाद चला जाएगा रूम पे थोड़ा सा, and then we'll rest some time and then we'll move on to explore other parts of the Uchain. So keep up with me. वापस अपनी निवास पे. थोड़ा देर रेस्ट करेंगे. 10 बजे तक का है टाइमिंग मेरे पास यहाँ पे रुकने का. 10 बजे के बाद 24 घंटा ही देता है यार 200 रुपये में, पर पूरा आता है 200 रुपये में एनी टाइम यार. तो अभी तो वेट करेंगे थोड़ा यहाँ पे एंड 10-11 बजे तक निकलते हैं. माई फाइनल आवर इन द रूम. अभी बस निकलते हैं यहाँ से. 11 बज चुके हैं, काफ़ी लेट हो चुके हैं. चलते हैं दूसरी जगह एक्सप्लोर करते हैं उज्जैन में. फ्रॉम पास्ट 10 मिनट्स आई एम जस्ट वॉन्डरिंग अराउंड एंड गेटिंग टू नो फ्रॉम वेयर आई कैन रीच काल भैरव. देखता हूँ. अभी बताया किसी लोकल ने कि यहाँ से मैजिक गाड़ी वाड़ी मिल जाएगी सस्ते में. अगर वो वहाँ से देख रहा था, अगर मैं मेन स्पॉट से भाई 100-150 रुपये मांग रहा था भाई, इतना तो देने से रहा मैं. तो थोड़ा सा चलते हैं देखते हैं अगर मिल जाए तो. यात्रा पे हो ना, पग यात्रा पे हो, गाड़ी मिल जाएगी. पग यात्रा का रोड गाड़ी वाला, ये तो आपको 4 वीलर के लिए आपको हाईवे रोड. थैंक यू. फाइनली
फाइनली भैया ने 10 रुपये लिए, छोड़ दिया भाई, इतने प्यार से बोला ना उसने, भैया 10 रुपये, मजा आ गया भाई, साला कहाँ 100 रुपये कहाँ, खुशियाँ ढूंढो तो मिल जाती है बे। I fucking don't know ये क्यों है यहाँ पे, must I guess some significance। छोड़ो जूता भी जल्दी मिले, थैंक यू थैंक यू। कंपैरेटिवली उधर से काफ़ी इधर भीड़ है एंड मोस्टली वन आवर देखते हैं सब लोगों के लिए। फाउंड समथिंग आउट दैट इधर ना लिक्वर ऑफर किया जाता है काल भैरव को, एवरीबडी इज कैरिंग लिक्वर लाइक दारू लिटरली एंड इट्स बीन ऑफर्ड टू लॉर्ड शिवा हियर, वेरी यूनिक वेरी यूनिक, आई हैव नेवर सीन लाइक दिस एनीवेयर। I will not fucking offer liquor anything because I don't drink and I strictly prohibited that drinking should not be allowed, so daru and all I will not provide, but yeah full chada hai maine यार मैं जूते छोड़ा है सिल्ली बहन, मतलब फिर से जाना पड़ेगा, चलो चल चलते हैं, कहा था ना मैंने 3 बार हर चीज़ करता हूँ, गोइंग आउट फ्रॉम काल भैरव टेम्पल एंड आई एम प्लानिंग टू विजिट राम घाट, इट्स 5 किलोमीटर शोइंग फ्रॉम हियर दिस लोकेशन, देखता हूँ कुछ मिल जाए तो, और अभी 2 ही बज रहा है, रात का 7 बजे का एक ट्रेन है, बट आई एम प्लानिंग कि 7 बजे तक मैं राम घाट घूम लूँगा एंड देन आई विल हॉप फ्रॉम उज्जैन टू भोपाल ट्रेन, देखते हैं अभी बताता हूँ, पहले रामघाट जाने दीजिए। ये सब रिक्शा बहुत महंगा पड़ जाएगा, पर जो मैजिक होती है ना, जो उसे बड़ी सी थोड़ी सी टेम्पो टाइप की होती है, वो आपको मतलब क्यूमुलेटिवली सबको छोड़ती है तो एक साथ आपको भी छोड़ देगी, वो कंपैरेटिवली सस्ता है, मतलब मुझे 10 रुपये में पहुँचा दिया आप काल भैरव,
और यहाँ से देखते हैं रामगढ़ कितने देर में पहुँचाएगा। रामगढ़ एक फेमस स्पॉट है, सुना हूँ मैंने, ऐसी स्क्रॉल कर समय ऑनलाइन देखा, तो होप अच्छा निकले। कार भाई तो बहुत ही सही, मतलब मज़ा आ गया यार। अभी देखते हैं रामगढ़ कैसा होता है, वेट कर रहा हूँ।